morning students, how are you? I hope you all are doing well and have done your homework. चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है ना, अटेंडेंस बनाना है एंड यू ऑल नो द प्रोसेस. कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना. अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे, ठीक है. चलिए तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. ओके चलिए तो बना लिया आप लोगों ने अटेंडेंस, गुड. ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पिछले क्लास में मैंने आपको चैप्टर 13 जो कि हमारा है द घोस्ट, उसका मैंने आपको एक्सरसाइज कराया था, है ना. मैंने ये चैप्टर जो है आपको पढ़ाया भी, इसका वर्ड मीनिंग भी करवाया है और इसका जो एक्सरसाइज है उसको हमने आधा ही किया था, आधा हम लोग का बाकी रह गया था. तो आज हम इसका क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट करेंगे. ओके और क्वेश्चन आंसर के अलावा जो हमारा कुछ बच गया था, है ना, ग्रामर गाइड वगैरह बच गया था, उसको हम लोग आज हम लोग देखेंगे, ठीक है. चलिए तो नोटबुक ओपन कीजिए और क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कीजिए. पहला है व्हाट इज मटिल्डास फादर्स नेम. मटिल्डा के पापा का नाम क्या है? तो आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा कि उसकी माँ जो है बोलती है कि हैरी रूम में जाके देखो, तो अपने हस्बैंड को बोल रही होती है क्या नाम होगा उसके फादर का, हैरी ना. मटिल्डास फादर्स नेम इज हैरी, ठीक है. चलिए सेकंड क्वेश्चन है, वेयर दोनों देखिए, दोनों वेयर ही है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है, मीनिंग में भी अंतर है. एक वेयर का मतलब कहा और एक वेयर का मतलब थे. वेयर मटिल्डा and her family having their supper. कह रहा है कि मटिल्डा और उसकी जो फैमिली है वो लोग अपना सफर मतलब रात का भोजन कहाँ पे कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, लिविंग रूम में, है ना, टेलीविजन देखते हुए. क्या है, कहाँ कर रहे थे, तो मटिल्डा एंड हर फैमिली वी आर हैविंग देयर सपर इन द लिविंग रूम.
हर्ड मटिल्डास फैमिली, मटिल्डा की फैमिली को किसकी आवाज ने, मतलब कैसी आवाज ने डराया था? तो क्या था? भूत की आवाज थी, है ना। चलिए इसका क्या लिखेंगे हम लोग? द घोस्ट वॉइस स्केयर्ड मटिल्डास फैमिली। चलिए पहले तो तीन तक ही लिखी है, उसके बाद हम लोग फोर और फाइव लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, ठीक है। चलिए इसी को मैं बता देती हूँ लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट नेम ऊपर में लिखोगे, उसके बाद आपको चैप्टर का नाम लिखना है, द घोस्ट चैप्टर 13। फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। देन आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मटिल्डास फादर्स नेम, मटिल्डा के फादर का क्या नाम था। तो मटिल्डास फादर्स नेम इज हैरी, सॉरी यहाँ पे इज है, था नहीं होगा, है होगा। फिर है वेयर वेयर मटिल्डा एंड हर फैमिली हैविंग देयर सपर, मटिल्डा और उसकी फैमिली जो है कहाँ पे बैठ के भोजन कर रहे थे, है ना, रात का भोजन। तो मटिल्डा एंड हर फैमिली वेयर हैविंग देयर सपर इन द लिविंग रूम, अपने बैठक घर में, बैठक कक्ष में बैठ के वो लोग खाना खा रहे थे। फिर व्हाट वॉइस स्केयर्ड मटिल्डास फैमिली, मटिल्डा के फैमिली को किसकी आवाज ने डराया था। तो द घोस्ट वॉइस स्केयर्ड मटिल्डास फैमिली, भूत की आवाज ने मटिल्डा और उसके फैमिली को डराया था। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं, ओके। चलिए तो लिखिए आप लोगों ने इसे, गुड। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। चलिए अब फोर नंबर हम लोग देखते हैं। फोर है, हु सेड
रैटल माई बोन्स, किसने कहा था रैटल माई बोन्स ना, हड्डियों की आवाज किससे आ रही थी, तो वो भी क्या होगा, गोष्ठी था। क्या होगा, द गोस्ट सेड, रैटल माई बोन्स। फाइव है जो कि लास्ट भी है, Who did Matilda think the voice came from? कह रहा है कि Matilda जो है वो क्या सोची, मतलब कि आवाज किसके पास से आ रही है, मटिल्डा ने किसके लिए ये सोचा, तो वो भी क्या सोची थी कि वो भूत की ही आवाज है, वही तो लास्ट में बताई ना कि इट्स अ घोस्ट, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, दिस रूम इज हॉन्टेड, मतलब उसे भी पहले से सुनाई देता था ना। आवाज किससे आ रही थी, मटिल्डा को कैसा, किसकी आवाज लगी थी ये पूछ रहा है, तो मटिल्डा thought the voice came from the ghost, ठीक है, मतलब पहले फोर देख लेते हैं कि Who said rattle my bones? किसने बोला था rattle my bones? So the ghost said rattle my bones. फिर है who did Matilda think the voice came from? Matilda ने आवाज कहाँ से आ रही थी? Matilda ने किसके लिए सोचा था, है ना? Matilda क्या सोची थी? तो Matilda thought the voice came from the ghost. Matilda ने यही सोचा कि आवाज जो है भूत से आ रही है ना, भूत की आवाज है। चलिए इसको नोट कीजिए, हमारा क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का खत्म होता है, नोट कीजिए और इसको याद भी करना है, चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, दैट्स गुड। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि इसको याद करेंगे, ठीक है, अच्छे से लिखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर याद भी करना है, और अपने जो आपसे बड़े हैं घर में जिनको आप सुनाते होंगे रोज, आपके होमवर्क में मदद जो करते होंगे आप उनको सुनाएंगे भी, ठीक है। चलिए अगले दिन इसका जो ग्रामर गाइड B1 B2 तो मैंने उसी दिन करवा दिया था, तो ग्रामर गाइड जो बच रहा है उसको हम लोग अगले दिन कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ ही B2 में जो हमने सिनोनिम पढ़ा था, है ना, वो सिनोनिम यहाँ पर तो 5 ही था, मैं आपको अलग से कम 20 सिनोनिम्स आपको लिखवाऊंगी भी, ठीक है, ये हमारा अगले दिन का ये रहेगा याद करने वाला। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।